सीवर लाइन जाम हो गया था, उसके बाद पानी सब गली में लग गया था गंदा, और पीने वाले पाइप में सब पानी खींच लिया था, सारे लोग वही पानी पीते थे, और सीवर और पानी दोनों इंटरलॉकिंग हो गया, जिससे पूरे मोहल्ले में दूषित पानी पहुंच गया, डायरिया के शिकार हो गए। लगभग 20-22 लोग सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और लगभग 15-20 लोग प्राइवेट में भर्ती हैं, जिसमें से एक बच्चे का इंतकाल भी हो चुका है कल शाम 4 में जिला हॉस्पिटल में, और बाकी सब भर्ती हैं। लेकिन सारा लापरवाही नगर प्रशासन नगर पालिका दोषी इस गली में 23 गली का पानी मिलकर निकलता है, पीछे का 23 गली का पानी इस गली के। क्या आप लोग पहले शिकायत कितने का पाले? हर बार की बरसात में कहा जाता है कि यहाँ एक सीवर बनवा दी या तो जाली लगवा दी, कम से कम कचरा वगैरह न फंस पाए। और हल्का सा सीने में दर्द हुआ, जिला वहाँ ले गए जिला इमरजेंसी हॉस्पिटल में, वहाँ तुरंत डॉक्टर बोल दिया बैक आ गया, तो एक्सपायर कर गया। क्या ये पानी जो गुलाब खराब आ रहा है?